आज हम बनाएंगे लौकी के साग। तो इसके लिए हमको चाहिए साग जो हम अच्छी तरह से धुल लिए। उसके बाद हमें चाहिए लहसुन 1 चम्मच, 1 प्याज और 4 हरी मिर्च। मिलाएंगे हम थोड़ा सा नमक जिससे ये जल्दी ही बॉईल हो जाएगा। तो इसको हम अभी मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया, अब इसको 2 से 3 मिनट तक उबालने दिया। 3 मिनट के बाद साग में से जो पानी निकल के आया है इसे हम अलग कर लेंगे। इस तरह से पानी को निकल लिया है, अभी थोड़ी ही बचा है तो हम निकल लिए पूरा पानी। अब ऐसे ही कुछ देर और पकने देंगे। प्याज और लहसुन के पहले ही हम हरी मिर्च को मिला लेंगे जिससे ये हरी मिर्च बॉईल हो जाएंगे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। हम इसको साइड कर लेते हैं। अब हम इसमें प्याज देंगे, इसको मिक्स करेंगे साग के साथ। पूरी तरह से मिला लीजिए। हरी मिर्च और अनियन को साग के साथ मिला लीजिए। हमने एक साइड कर लिए। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। इसके बाद इसमें हम तेल मिलाएंगे 2 चम्मच। थोड़ा और डाल देते हैं ऑयल। हम ऐसे ही 2 मिनट इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से। ये साग का रेसिपी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है और इस कोरोना के समय में हमें हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना चाहिए। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमारा साग रेडी है। तो ये है लौकी के साग, इसको हमने फ्राई किया और इसका कलर आप देख सकते हो कितनी अच्छा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इस रेसिपी को अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।